हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहदास कुकिंग। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं चुके की बघारी भाजी। ये जो भाजी है बेइंतहा जायकेदार बनी है, इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस भाजी को बनाना शुरू करते हैं। बेहद ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हम यहाँ पर तोर के दाल लिए हैं, इसको हम तीन पानी से धो के भीगने के लिए रख दिए हैं। और ये चुके की भाजी है, इसको हम तोड़ के वॉश करके रख लिए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाजी को हमने इस तरह से तोड़ ली है। और साथ ही में हम लिए हैं कड़ी पत्ता, ये है लहसुन और हरी मिर्च जिसका हम पेस्ट कर लेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और ये हरा धनिया। कुकर में हम दाल और पानी ऐड किए हैं और उसी में ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अब भाजी ऐड कर देते हैं। हम इस भाजी को बनाने के लिए इमली के खट्टे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भाजी होती है ऑलरेडी खट्टी रहती है, तो इसको हम ऐसे ही गलने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, हमारी भाजी अच्छे से गल चुकी है। इसको हमने थोड़ा सा बारीक कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। ऑयल को हम पहले से ही गर्म कर लिए थे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके फ्राई करने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस हरी मिर्च के पेस्ट को हम तीन से चार मिनट तक ऐसे ही फिरा रहे हैं। इसमें हम भाजी ऐड कर देते हैं। एक बार इसको अच्छे से पका लेंगे और अब ऐड करेंगे हरा धनिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी अच्छे से पक रही है। इसको हम और कुछ देर तक ऐसे ही पका लेते हैं। आखिर में इसको तड़का लगा देते हैं। तो ये हमारी भाजी बनके रेडी है, इसको हम तड़का लगा रहे हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह, हमारी चुके की भाजी बनके तैयार हो चुकी है। बेइंतहा जायकेदार बनी है ये। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहद ही आसान रेसिपी है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।